हेलो, तो कैसे हैं गाइज? आई होप अच्छे होंगे। मैं पाठक चर्चितानंद आपका स्वागत करते हैं पाठक एजुकेशन सेंटर में, लर्न विद फन। फिर से मैं आपके लिए एक ट्यूटोरियल लेकर आया हूँ जिसका नाम है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की रिगार्डिंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे वीडियो देखें सबसे पहले। चलिए तो इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉफ्टवेयर ऑल मेंशंस अबव, यानी कि दिए गए सभी आंसर सही हैं, आप कैरेक्टरिस्टिक्स लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट सेकंड नंबर क्वेश्चन है, कंपाइलर्स एडिटर्स सॉफ्टवेयर कम अंडर विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, आर ए डी सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल आर स्टैंड फॉर रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। एंड क्वेश्चन नंबर फोर, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंपेरिज ऑफ अ नंबर ऑफ एक्टिविटीज विच कंटेंस, आंसर ऑल मेंशन अबव, दैट मींस प्रोजेक्ट प्लानिंग, स्कोप मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट एस्टिमेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फाइव, कोकोमो स्टैंड्स फॉर, कोकोमो स्टैंड्स क्या क्या होगा, कंसेक्यूटिव कॉस्ट मॉडल। क्वेश्चन नंबर सिक्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिफाइंड इन अ गुड सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन एसआरएस डॉक्यूमेंट, आंसर होगा अल्गोरिथम फॉर सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंटेशन। क्वेश्चन नंबर सेवन, व्हाट इज द सिंपलेस्ट मॉडल ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पैराडाइग्राम, आंसर वाटरफॉल मॉडल। क्वेश्चन नंबर एट, विच डिजाइन आइडेंटिफाइज द सॉफ्टवेयर एज अ सिस्टम विथ मेनी कंपोनेंट्स इंटरेस्टिंग विथ ईच अदर, आंसर आर्किटेक्चरल डिजाइन। क्वेश्चन नंबर नाइन, सॉफ्टवेयर कंसिस्ट ऑफ प्रोग्राम डॉक्यूमेंटेशन ऑपरेटिंग प्रोसीजर। क्वेश्चन नंबर टेन, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ स्पाइरल मॉडल, आंसर होगा रिस्क मैनेजमेंट। क्वेश्चन नंबर इलेवन, विच इज नॉट अ स्टेप ऑफ रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग, आंसर रिक्वायरमेंट्स डिजाइन। क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व, फर्स्ट स्टैंड्स फॉर फैसिलिटेटेड एप्लीकेशन स्पेसिफिकेशन टेक्निक। क्वेश्चन नंबर थर्टीन, द लेवल एट विच द सॉफ्टवेयर यूजर स्केयर्स रिसोर्सेज इज, आंसर इफिशियंसी, आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्टीन, मॉडिफाइंग द सॉफ्टवेयर टू मैच चेंज इन द एवरी चेंजिंग इन्वायरमेंट इज कॉल्ड एडेप्टिव मेंटेनेंस। क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन, इफ एवरी रिक्वायरमेंट कैन बी चेक्ड बाय अ कॉस्ट इफेक्टिव प्रोसेस देन द एचआरएस इज वेरीफाइबल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन, एग्रेशन रिप्रेजेंट्स कंपोज्ड ऑफ रिलेशन। क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन, नंबर ऑफ क्लाउज यूज्ड इन आईएसओ 99001 टू स्पेसिफाई क्वालिटी सिस्टम रिक्वायरमेंट्स आर, आंसर होगा बी 20। क्वेश्चन नंबर 18, ईआर मॉडल शोज द स्टैटिक व्यू, आंसर होगा स्टैटिक व्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, वन ऑफ द फॉल्ट बेस्ड टेस्टिंग टेक्निक इज, आंसर माउंटेशन टेस्टिंग। क्वेश्चन नंबर 20, इफ द ऑब्जेक्ट्स फोकस ऑन द प्रॉब्लम डोमेन देन वी आर कंसर्न्ड विद, आंसर होगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द टेस्ट इम्प्लीमेंटेशन एंड एक्सिक्यूशन फेज, आंसर होगा डिजाइनिंग द टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट कैन अ स्टैटिक एनालिसिस नॉट फाइंड, आंसर मेमोरी लीक्स। क्वेश्चन नंबर 23, विच प्लान डिस्क्राइब हाउ द स्किल्स एंड एक्सपीरियंस ऑफ द प्रोजेक्ट टीम मेंबर्स विल बी डेवलप्ड, आंसर होगा अ स्टाफ डेवलपमेंट प्लान। क्वेश्चन नंबर 24, अल्फा एंड बीटा टेस्टिंग आर फॉर्म ऑफ, आंसर होगा एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। क्वेश्चन नंबर 25, द मॉडल इन विच द रिक्वायरमेंट्स आर इम्प्लीमेंटेड बाई इट्स कैटेगरी इज इवोल्यूटरी डेवलपमेंट मॉडल। क्वेश्चन नंबर 26, ए कोकोमो मॉडल इज कंसेक्यूटिव कॉस्ट एस्टिमेशन मॉडल। क्वेश्चन नंबर 27, एस एस आर डी स्टैंड्स फॉर, आंसर होगा अ स्ट्रक्चर्ड रिक्वायरमेंट्स डेफिनेशन। क्वेश्चन नंबर 28, द टूल दैट सपोर्ट डिफरेंट स्टेज ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल आर कॉल्ड केस टूल। क्वेश्चन नंबर 29, विच मेथड इज यूज्ड फॉर इवेलुएटिंग द एक्सप्रेशन दैट पासेस द फंक्शन एज एन आर्गुमेंट, आंसर होगा अ स्ट्रिक्ट एवोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 30, विच फैक्टर्स अफेक्ट द प्रॉब्लम कंसिक्वेंस इफ अ रिस्क ऑकर, आंसर होगा रिस्क अवॉइडेंस।
क्वेश्चन नंबर 31, विच प्रोजेक्ट इज अंडरटेकन एज अ कंसीक्वेंस ऑफ स्पेसिफिक कस्टमर रिक्वेस्ट। आंसर होगा न्यू एप्लीकेशन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। क्वेश्चन नंबर 32, रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस इंक्लूड्स विच ऑफ दिस स्टेप। आंसर होगा ऑल मेंशन अबव। क्वेश्चन नंबर 33, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन SRS इज अ ऑल्सो नोन एज स्पेसिफिकेशन ऑफ ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। आंसर ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड अ स्टेक होल्डर इन द सॉफ्टवेयर प्रोसेस। ऑल ऑफ द अबव, दैट मीन्स कस्टमर्स, इंडिविजुअल्स, प्रोजेक्ट मैनेजर्स। क्वेश्चन नंबर 35, इन रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस व्हाट मेक्स अ नोट ऑफ ऑल पॉसिबल रिस्क दैट मेक ऑकर इन द प्रोजेक्ट। आंसर होगा आइडेंटिफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 36, व्हाट इज द मेजर ऑफ हाउ वेल अ कंप्यूटर सिस्टम फैसिलिटेट्स लर्निंग। आंसर होगा यूजेबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 37, हु मैनेज द इफेक्ट्स ऑफ चेंज थ्रू आउट द सॉफ्टवेयर प्रोसेस। आंसर होगा सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। क्वेश्चन नंबर 38, विच कॉपलिंग इज ऑल्सो नोन एज ग्लोबल कॉपलिंग। आंसर होगा कॉमन कॉपलिंग। क्वेश्चन नंबर 39, विच रिस्क आइडेंटिफाई पोटेंशियल डिजाइन इम्प्लीमेंटेशन इंटरफेस वेरिफिकेशन एंड मेंटेनेंस प्रॉब्लम। आंसर होगा टेक्निकल रिस्क। क्वेश्चन नंबर 40, एब्रीविएट द टर्म BSS। आंसर होगा बॉक्स स्ट्रक्चर स्पेसिफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 41, व्हाट इज द टेस्टिंग टू इंश्योर द वेब ऐप प्रॉपरली इंटरफेस विद अदर एप्लीकेशन और डाटाबेस। आंसर होगा इंटरपेरेबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 42, एब्रीविएट द टर्म CMMI। आंसर होगा कैपेबिलिटी, मैच्योरिटी, मॉडल इंटीग्रेशन। क्वेश्चन नंबर 33, फर्स्ट लेवल ऑफ प्रोटोटाइप इज इवेल्युएटेड बाय। आंसर होगा यूजर। क्वेश्चन नंबर 44, लाइन ऑफ कोड LOC ऑफ द प्रोडक्ट कम्स अंडर विच टाइप ऑफ मेजर्स। आंसर होगा डायरेक्ट मेजर्स। क्वेश्चन नंबर 45, व्हाट इज द मेन एम ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। आंसर रिलायबल एंड कॉस्ट इफेक्टिव सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन नंबर 46, विच ऑफ दीज सॉफ्टवेयर कैरेक्टरिस्टिक्स आर यूज्ड टू डिटरमाइन द स्कोप ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट। आंसर इंफॉर्मेशन, ऑब्जेक्टिव्स, फंक्शन, परफॉर्मेंस। एंड क्वेश्चन नंबर 47, विच लेवल ऑफ सब सिस्टम इज यूज्ड ऑफ एन एप्लीकेशन। आंसर कंपोनेंट लेवल। क्वेश्चन नंबर 48, फ्रॉम द फॉलोइंग सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन दैट इज यूज्ड टू डिस्प्ले द अवेलेबल ऑप्शन फॉर सिलेक्शन। आंसर रेडियो बटन। क्वेश्चन नंबर 49, CMM model in software engineering is a technique of improve the software process. Question number 15, the tools that support different stage of software development lifecycle are called as. Answer case tools. Question number 51, which is not a step of requirement engineering. Answer requirements design. Question number 52, which design defines the logical structure of each module and their interfaces that is used to communicate with other modules. Answer detailed design. Question number 53, which tool are used in implementation, testing and maintenance. Answer lowercase tools. Question number 54, which design deals with the implementation part in which it saw a system and its subsystems in the previous two design. Answer detailed design. Question number 55, what is the project and process level that provides the quality metric benefits. Answer defect removal efficiency. Question number 56, cohesion matrix and coupling matrix are metrics which level of design. Answer component level design. Question number 57, which condition define the circumstance for a particular operation invalid. Answer precondition. Question number 58, which is not a SQA activity. Answer white box testing. Question number 59, find out which phase is not available in SDLC. Answer abstraction. Question number 60,
फ्रॉम द फॉलोइंग व्हिच सॉफ्टवेयर हैज बीन कैरेक्टराइज्ड बाय नंबर क्रंचिंग एल्गोरिथम्स? आंसर इंजीनियरिंग एंड साइंटिफिक सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन नंबर 61, हु डिलीवर द टेक्निकल स्किल्स दैट आर नेसेसरी टू इंजीनियर फॉर अ प्रोडक्ट और एन एप्लीकेशन? आंसर प्रैक्टिनोर्स। क्वेश्चन नंबर 62, प्रोजेक्ट रिस्क फैक्टर इज कंसिडर्ड इन विच मॉडल? आंसर स्पाइरल मॉडल। क्वेश्चन नंबर 63, व्हाट इज अ चाइल्ड विंडो दैट कॉन्टेन्स मैसेज फॉर द यूजर एंड रिक्वेस्ट फॉर सम एक्शन टू बी टेकन? आंसर डायलॉग बॉक्स। क्वेश्चन नंबर 64, विच मॉडल इज नॉट सुटेबल फॉर लार्ज सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स बट गुड वन फॉर लर्निंग एंड एक्सपेरिमेंटिंग? आंसर बिग बैंग मॉडल। क्वेश्चन नंबर 65, एक्टिविटीज एंड एक्शन टेकन ऑन द डाटा आर रिप्रेजेंटेड बाई सर्कल और राउंड एज रेक्टेंगल्स इज कॉल्ड? आंसर प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 66, द सिक्स सिग्मा फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग व्हाट गिव्स द एग्जिस्टिंग प्रोसेस एंड इट्स आउटपुट टू डिटरमाइन द करंट क्वालिटी परफॉर्मेंस? आंसर मेजर। क्वेश्चन नंबर 67, which tools are helpful in all the stage of SDLC for requirement gathering to testing and documentation? Answer integrated CAS tools. Question number 68, abbreviate the term SMI. Answer software maturity index. Question number 69, which phase is refers to the support phase of software development? Answer maintenance. Question number 70, which module is also called as the classic life cycle or the waterfall model? Answer linear sequential development. Question number 71, what is the average effective global activity rate in an evolving E-type system is invariant over the lifetime of the product? Answer organizational stability. Question number 72, which is focused towards the goal of the organization? Answer feasibility study. Question number 73, an entity in ER model is a real world being which has some properties called? Answer attributes. Question number 74, what is the most common measure for correctness? Answer defect per kilo line of code. Answer question number 75, which documentation works as a key tool for software designer, developer and their test team is to carry out their respective tasks? Answer requirement documentation. Question number 76, which risk gives the degree of uncertainty and the project schedule will be maintained so that the product will be delivered in time? Answer schedule risk. Question number 77, which model is also known as verification and validation model? Answer Weave model. Question number 28, a small picture representing an associated application, what does it mean? Answer icon. Question number 29, what is the meaning of requirement elections in software engineering? Answer all of the above. Question number 80, which of the following is project estimation technique? Answer all of the above. Question number 81, the maximum number of objects that can participate in a relationship is called cardinality. Answer cardinality. Question number 82, what is legacy system? Answer a legacy system refers to outdated application software that is used instead of available upgraded version. Question number 83, which of the following cannot be applied with the software according to software engineering layers? Answer manufacturing. Question number 84, which software is used to control products and systems for the consumer and industrial markets? Answer embedded software. Question number 85, which software enables the program to adequately manipulate information? Answer data structure. Question number 86, which coding element is generally omitted at the end of line? Answer white space.
क्वेश्चन नंबर 87, द रूल्स ऑफ राइटिंग इफ देन एल्स कैन स्विच विल अंटिल एंड फॉर कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट आर कॉल्ड, आंसर कंट्रोल स्ट्रक्चर। क्वेश्चन नंबर 88, व्हिच वन ऑफ दीज बिलोंग्स टू इंटीग्रेशन टेस्टिंग इन द ओओ कंटेस्ट, आंसर थ्रेड बेस्ड टेस्टिंग। क्वेश्चन नंबर 89, इन व्हिच इलेक्शंस प्रोसेस द डेवलपर्स डिस्कस विद द क्लाइंट एंड एंड यूजर्स एंड नो देयर एक्सेप्टेशंस फ्रॉम द सॉफ्टवेयर, आंसर रिक्वायरमेंट गैदरिंग। क्वेश्चन नंबर 90, इफ रिक्वायरमेंट्स आर इजली अंडरस्टैंडेबल एंड डिफाइंड देन व्हिच मॉडल इज बेस्ट सुटेड, आंसर वाटरफॉल मॉडल। क्वेश्चन नंबर 91, व्हिच सॉफ्टवेयर इंड फैक्टर्स अफेक्टिंग मेंटेनेंस कॉस्ट, आंसर ऑल मेंशन्ड अबव। क्वेश्चन नंबर 92, सॉफ्टवेयर प्रोसेस एंड इम्प्रूवमेंट आर एक्सेस्ड बाय बोथ बी एंड सी, आंसर होगा बोथ बी एंड सी, दैट मींस आईएसओ 9000 एंड आईएसओ 9001। क्वेश्चन नंबर 93, कैस टूल स्टैंड्स फॉर कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। क्वेश्चन नंबर 94, सॉफ्टवेयर इज डिफाइंड एज ऑल ऑफ द अबव, इंस्ट्रक्शंस डाटा स्ट्रक्चर डॉक्यूमेंटेशन। क्वेश्चन नंबर 95, क्वेश्चन नंबर 95, ड्यूरिंग सिक्योरिटी टेस्टिंग द टेस्टर प्ले द रोल ऑफ द इंडिविजुअल हु डिजायर टू, आंसर होगा पेनेट्रेट्स द सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 96, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेक्शन इन द स्टैंडर्ड फॉर एसक्यूएल प्लान्स रिकमेंडेड बाय IEEE, आंसर बजट। क्वेश्चन नंबर 97, व्हिच बॉक्स स्पेसिफाई द बिहेवियर ऑफ अ सिस्टम और अ पार्ट ऑफ अ सिस्टम, आंसर ब्लैक बॉक्स। क्वेश्चन नंबर 98, ए फर्स्ट स्टैंड फॉर फैसिलिटेटेड एप्लीकेशन स्पेसिफिकेशन टेक्निक। क्वेश्चन नंबर 99, व्हेन द कस्टमर मे ask for new features or functions in the software, what does it mean in software maintenance? Answer, client requirements. Question number 100, abbreviate the term CAS. Answer, computer aided software engineering. Question number 101, what is described by mean of DFDs as studied earlier and represented in an algebraic form? Answer, data flow. Question number 102, which metrics are derived by normalizing quality and or productivity measured by considering the size of the software that have been produced? Answer, size oriented. Question number 90, 103, what are the signs that a software project is in trouble? Answer, all of the above. Question number 104, application that generate a dialog to get confirmation from a user and to delete a file, it is an example for, answer dialog box. Question number 105, what is used for implementing the changes in existing or new requirements for user in software maintenance? Answer preffective maintenance. Question number 106, RAD stands for rapid application development. Question number 107, RAD model has, answer 5 phases. Question number 108, SDLC stands for software development life cycle. Question number 109, which of the following is not a diagram studied in requirement analysis? Activity diagram. Question number 110, how many feasibility study is conducted in requirement analysis? Answer 3. Question number 101. This is the last question we are discussing. What are attributes of good software? Answer is software maintainability and functionality. That's all end. Thank you. If you are getting a good knowledge from this video, then you share this video to your friends or relatives. Thank you.